हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशो एकेडमी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन। चीज़ें तो बहुत है आपको देने के लिए और डे बाय डे दिया ही जा रहा है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि चीज़ें अब आपको एडवांस लेवल की दी जाए और जल्दी जल्दी मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा अब आपको हेल्प मिलने वाला है। अब मैथमेटिक्स का कोशिश करूंगा एक से दो दिन में दो दो लेक्चर आपको मिलेगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो प्रैक्टिस करने में धड़ल्ले से पूरा क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। और आज का जो चैप्टर है, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट का, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां से एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 की, और चैप्टर है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। आप जितना बचोगे ये आपको खींच कर लेके आएगा। तो ध्यान देने वाली बात आज की ये है कि आप अपने माइंड को, अपने न्यूरॉन्स को पूरा एक्टिवेट कर दीजिए, चीजें सीखिए। आपको आते होंगे लेकिन नए तरीके, एक क्वेश्चन को एक से अधिक तरीके, दो तरीके, तीन तरीके से कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग लाइक कर लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो इसमें टोटल पॉइंट वाइज हम लोग चलेंगे और पॉइंट नंबर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हम लोग डेली पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, जिससे पढ़ने में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलता है और नोट्स बनाने में, तो टोटल टॉप 5 पॉइंट इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक एक चीजें बिल्कुल मेरे साथ बने रहो और कॉपी पेन लेके सीखने के लिए तैयार हो तो फिर आपका वेलकम है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 में हम लोग क्या सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण की बात करें तो रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, अज्ञात। जैसे जब भी अज्ञात राशि आ जाए, क्वांटिटी आ जाए, अज्ञात का मतलब क्या, चर राशि, वह चार राशि जिसमें अज्ञात राशियों की संख्या 1 हो, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, इसी को हम लोग बोलते हैं चर संख्या। चर मतलब जो बार बार यहाँ वहाँ बदलती रहे, और 2 क्या है, कांस्टेंट, यानी कि ये अचर है, ये कभी नहीं बदलते आए। तो 2 रुपया है तो 2 रुपया ही रहेगा, चाहे आप सोनू को दे दो, चाहे मोनू को, चाहे सतीश को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चर राशि है तो हो सकता है इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 10 आए, किसी में 7/5 जाए, तो जो वैल्यू बदलती रहती है उसे चर राशि बोलते हैं। तो रैखिक समीकरण उसे बोलेंगे जहां पे अज्ञात राशियों की संख्या या चर राशियों की संख्या कितनी हो, 1 हो। तो लिख लेना, जिस समीकरण में अज्ञात राशियों की संख्या 1 हो उसे क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। जैसे देखो एग्जाम्पल, 2x + 3x - 7 = 15। तो ये कैसा समीकरण है, आप इसको क्या बोलोगे कि ये कैसा समीकरण है या कैसी राशि, तो आप इसको बोलोगे कि ये रैखिक है, रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक है, क्यों लीनियर है, लीनियर इसलिए है क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म्स कितने हैं, 1 ही है, x है तो केवल x ही है। बात समझ में आई? तो आपका नियम क्या बना, अज्ञात चरों की एक संख्या को जिसमें एक संख्या हो, चर वाली, रैखिक समीकरण। अब जब एक की बात हो गई तो दूसरी भी आएगी ही आएगी। जब अज्ञात चरों की संख्या 2 से अधिक हो या 2 से अधिक हो तो उसे 2 चर वाली क्या बोलेंगे, समीकरण। जैसे एग्जाम्पल, इसी का 2x और 3x की जगह यहीं पे 3y हो जाए, मतलब अज्ञात राशियों की संख्या कितनी हो जाए, 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाए, तो ऐसे समीकरण को हम लोग बोलेंगे 2 चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। और ये कैसा है, अब आप इसको बोलेंगे कि ये एक चर वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। आप इसको अपने अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा, चीजें समझे रहेंगे तो काम देगा, ठीक है। अब आओ देखो मेन पॉइंट, ये इससे नहीं, ये केवल आपके बेसिक है। अब ये इक्वेशन अगर आपको मिल जाएगा किसी भी फॉर्म में, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। सॉल्व करके हमें x की वैल्यू बतानी होती है, कभी कभी 2 इक्वेशन एक साथ दे देते हैं और उसको सॉल्व करना होता है। तो हम इस चैप्टर में पहले सीख लेते हैं रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के विधि, मेथड्स, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 आप क्लियर हो गया, चलो पॉइंट नंबर 2 हम इसमें लिख देते हैं ताकि आपको पॉइंट वाइज क्लियर है। रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां,
हल करने की विधियां। अच्छा, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या वेबसाइट पे आप विजिट करके देख सकते हैं। तो रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, मतलब कितने तरीके से हम सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, तो बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, तो टोटल हम लोग कितने विधि सीखेंगे? आप बोलोगे सर हम तो ऐसा करो 1 2 चलो 3 कर देते हैं। 3 मेथड से सीखेंगे किसी भी समीकरण को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि अगर हम सीख लेंगे तो इसको मैं बताता चलूंगा कि कैसे होता है प्रतिस्थापन विधि। चलो ठीक है, तो प्रतिस्थापन लिख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये प्रतिस्थापन क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंग्लिश में। सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन के बाद विलोपन विधि। ठीक है, बहुत ही मजेदार होने वाली एक एक चीजें, और उसी इक्वेशन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जिसका नाम है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। और ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे तो हो गए लेकिन कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है बहुत ज़्यादा। इसको मैं सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आज के बाद आपका कोई भी टॉपिक्स क्या हो कभी दिक्कत ना हो। तो बात हो गई 3 मेथड्स की, प्रतिस्थापन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, और वज्र गुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग तीनों विधि से सॉल्व करते हैं, और आप अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 5। अलग अलग दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसी क्वेश्चन को हम 3 तरीके से करेंगे और तीनों को सीख लेंगे। ठीक है, तो चलो तीनों को सीखते हैं। पहले नंबर पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि या x की वैल्यू y के फॉर्म में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, या फिर y की वैल्यू x के रूप में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो कैसे करेंगे, नाम से ही क्लियर है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या, कोई चीज मूर्ति लाते हो तो आप लोग क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, मतलब लाते हैं तो स्थापित हुआ। प्रतिस्थापित का मतलब एक चीज को दूसरे फॉर्म में बदल देना। जैसे देखो इसमें समझते हैं कि 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई बराबर 3 दिया है, तो हम क्या करते हैं y की वैल्यू x के फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी y को उधर लेते जाते हैं और 3 को इधर लेते आते हैं। तो 2x माइनस 3 बराबर वाई, देखो तो क्या हुआ, y की जो वैल्यू है हमें x के फॉर्म में क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए। तो जहां पे y आएगा, जहां पे y आएगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, y के जगह आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3। समझ रहे हो बात ना, समझ रहे हो तो मजा आने वाला है। चलो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो 4x माइनस, देखो y है, y की जगह आप क्या रखोगे, आप बोलोगे सर ऐसा करो y की जगह रख दो 2x माइनस 3। अच्छा ये माइनस प्लस में हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 माइनस में हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा, बराबर, अच्छा बराबर कितना दिया है 5, तो 5 रहने दीजिए। चलो 4x में से 2x को माइनस कर दो तो 2x आएगा, अच्छा 3 को उधर ले जाओ तो 5 में से 3 को हटाओगे तो 2 आ जाएगा, अच्छा 2x बराबर 2, तो x बराबर कितना होगा, x को नीचे लेके आओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, आप बोलोगे सर 1 आया, तो x की वैल्यू मिल गई, वाह वाह काम आपका हो गया, x की वैल्यू मिल गई। तो यही x की वैल्यू इसी में रख दो, y की भी वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं, चीजें एकदम प्यार से समझना। एक भी सिंगल पॉइंट अगर आपका मिस होगा तो कमेंट करके पूछ लेना कि सर कैसे होगा, x की वैल्यू आप y के फॉर्म में चेंज करो या y की वैल्यू x के फॉर्म में। तो हमने क्या किया है, y की जो वैल्यू है x के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि y के बराबर हमने सिंगल y बनना चाहिए, x ले रहे तो सिंगल x, अगर हम x की लेते तो 2 को इधर भेज देते, सिंगल x के फॉर्म में होता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख के जब एक को स्थापित कर देंगे तो दूसरे वाले समीकरण में वही वैल्यू रख देंगे। तो y की जगह हमने क्या रखा है, 2x माइनस 3। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा x की वैल्यू आई तो इसको उठा के इसमें रख दीजिए, y की भी वैल्यू आ जाएगी, वेरी इजी, अच्छा वेरी इजी है, चलो भाई इसको भी इजी कर लेते हैं। तो y की जगह क्या रखोगे आप, अच्छा y की जगह y बराबर क्या है, 2x,
टू, यक्स की वैल्यू वन, टू इंटू वन माइनस थ्री, माइनस थ्री। अच्छा दो एक कम दो, दो में से तीन घटाएंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, दो में से जब तीन घटाओगे तो आप बोलोगे सर माइनस वन आएगा, तो माइनस वन आ गया, तो आने दो ना, तो आपका आंसर भी तो आ गया। अच्छा प्रतिस्थापन विधि ये होती है, हम तो सीख गए सर, मज़ा आ गया। अब मज़ा आया कि नहीं सीखने में, समझ गए ना, इसी तरह करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपका क्लियर हो गया होगा प्रतिस्थापन विधि से। अच्छा सर इसी क्वेश्चन को ऐसा करो आप विलोपन विधि से भी करके दिखाओ कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं, x बराबर वन आना चाहिए, y बराबर वन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप 10 का नोट लेकर जाओगे, चाहे दिल्ली में लेकर जाओ, चाहे अपने किस शहर में लेके आओ, चाहे मुंबई में लेके जाओ, तो 10 रुपए ही तो रहेगी। ठीक है, तो चीज़ें बदलती नहीं है, अगर सेम चीज़ें आ रही मतलब नियम सही है। ठीक है, चलो अब हम विलोपन विधि में आते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, देखो बहुत ही अच्छा मेथड है और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, और मैंने पहले बता दिया कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको अच्छे से समझो, एक भी सिंगल पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। बात आती है विलोपन विधि की। विलोपन विधि में जो दो समीकरण होते हैं, दो समीकरण को किसी एक के वैल्यू को बराबर करके कटा देंगे, चाहे यक्स की वैल्यू को बराबर करा दे या यक्स के गुणांक को बराबर करा के यक्स वाला क्रॉस करा दे या वाई को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, इजिली से कट सकता है, तो हम ऐसा क्या करें जोड़ने और घटाने पर यह वाई वैल्यू कट जाए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो दो समीकरण हैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को आप घटा दो, समीकरण दो को घटाने पर, बहुत ही ट्रिक यहाँ पे यूज ये करना है कि कब आप घटाओगे कब जोड़ोगे, कभी लिखता है कि जोड़ने पर, कभी लिखता है घटाने पे। अच्छा ये बात आज ही क्लियर कर लो और अभी कर लो, जब भी देखना जब भी ऊपर जो वैल्यू हो वही वैल्यू नीचे हो, यानी माइनस वाई है नीचे भी माइनस वाई है, तो आप क्या करोगे घटाओगे। ठीक है, अगर वैल्यू अलग अलग है यानी ये प्लस में है ये माइनस में है तो जोड़ दोगे। ठीक है, जिस भी वैल्यू को आपको कटानी है, अगर धनात्मक धनात्मक है तो भी घटाएंगे, ऋणात्मक ऋणात्मक है तो भी घटाएंगे, तो हमें वाई की वैल्यू कटानी है तो दोनों माइनस में, इसलिए हम क्या करें घटा दिए। चलो घटा देते हैं, तो टू एक्स है माइनस वाई है बराबर तीन है, इसमें से हम घटा देते हैं किसको, फोर एक्स माइनस वाई बराबर पाँच। अच्छा घटाने का मतलब जैसे आप पहले घटाते थे सिंपल नंबर को, इसको भी वैसे ही घटाओगे, यहाँ पे निशान लगा दो माइनस का, इसको घटाए तो माइनस हमेशा प्लस में हो जाएगा, घटाओ का मतलब चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस फोर था तो ये माइनस फोर हो गया। ठीक है, ये फाइव है तो माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे प्लस वाई ऊपर माइनस वाई है, एक दूसरे से क्या हुए काम तमाम कर लिए, लड़के खत्म हो गए। तो टू एक्स में से फोर एक्स को माइनस करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा बराबर, तीन में से पाँच को घटाएंगे तो आप बोलोगे सर माइनस दो आएगा, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दो साइड दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया, x बराबर आप बोलोगे सर दो से दो कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया कितना वन। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तो समझ में आई बात है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर नहीं दिखा होगा, मैं फिर से समझा देता हूँ, पहले यह समझो। तो जब हमने इन दोनों को कैंसिल आउट किया, बराबर करके जोड़े या घटाने पर एक्स वाई से वाई कैंसिल हो गया, टू एक्स में से फोर एक्स को घटाए तो माइनस टू एक्स, थ्री में से फाइव को घटाए तो टू। अच्छा माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल, टू एक्स बराबर टू, तो एक्स बराबर आप बोलोगे सर वन हो गया। अच्छा वो एक्स बराबर वन हो गया, तो एक्स की वैल्यू आप चाहे जिसमें भी रख देना, इसका यही सबसे बड़ी फायदा है, एडवांटेज है कि एक्स की वैल्यू चाहे जिसमें भी रख दोगे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो x की वैल्यू किसने रखे आप बोलो, वन में टू में चाहे जिसमें भी। ठीक है, तो x की वैल्यू हम क्या करते हैं समीकरण नंबर वन में रख देते हैं, यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे वन, तो टू इंटू वन, अच्छा y की जगह y ही रहने दीजिए। ठीक है, बराबर तीन, तो y को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर y उधर चला गया है, तीन इधर आया है, तो तीन इसमें आया तो किस में हो जाएगा माइनस में, टू पहले से ही है माइनस थ्री, यानी कि दो में से तीन को घटाओगे तो आप सोलोगे सर y बराबर क्या आया माइनस वन। काम क्लियर, चीजें समझ में आई, तो देखो x बराबर वन y बराबर माइनस वन, x बराबर वन y बराबर माइनस वन, इसमें हमने क्या किया x की वैल्यू या y की वैल्यू x के फॉर्म में प्रतिस्थापित किए थे और इसमें
एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू हमने कैंसिल करा दी। तो इस तरह से ऐसा जो वहाँ पे भी मेथड यूज होगा इसको बोलते हैं विलोपन विधि, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको एलिमिनेशन मेथड। अब आती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको सीख लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। ये मेथड आज तक का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रहा है स्टूडेंट के लिए, और इसको छोड़ छोड़ के सब लोग जाते हैं। इसमें भी दो इक्वेशन होंगे, ठीक है, तो इसका यूज तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन जानना जरूरी है। तो सभी लोग रेडी है, एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर बता दीजिए हम सीखना चाहते हैं ये भी, और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कभी भूलेगा नहीं, याद करोगे कि सर ने बताया था और हमें उसका फायदा मिला, हम सीख गए। तो देखो ये दो इक्वेशन है, तो इन दो इक्वेशन को पहले समझने के लिए कैसे करते हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं a1x पहला इक्वेशन प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो हो। अच्छा एक इक्वेशन a1x का मतलब क्या है कि a1 क्या है, कांस्टेंट हो, x वही है, b1 का मतलब y के साथ कोई वैल्यू होगी जैसे 2y 3y 4y कुछ भी, अच्छा c बराबर कोई भी कांस्टेंट जो x और y से फ्री रहे। तो दो इक्वेशन होंगी इसमें भी, अच्छा a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी बराबर क्या जीरो। हमने ये ना लिख के इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि चीजें आपको ये कांस्टेंट समझना है कि ए बी सी जो है कैसे मल्टीप्लिकेशन होंगे, कैसे गुणा होगा, तो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलो ठीक है, अच्छा सी वन यहाँ पे मान लीजिए, इसको सी टू मान लीजिए ताकि चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। चलो देखो एकदम ध्यान से समझना, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर लो, सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। जब भी ऐसा ब्रज गुणनफल या ब्रज गुणन विधि से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करना होगा, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे लिख दो x अपॉन में, अच्छा अपॉन में क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है तो ना तो x को क्या करो, x वाला टर्म्स ढक लो। अब नहीं दिख रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा है, अच्छा अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर और इसका इधर, अच्छा इसका इधर करके इधर माइनस लगा के उसमें, यानी कि b1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, c2 में, b1 का मल्टीप्लाई करेंगे c2 में, लिख दीजिए b1 का मल्टीप्लाई किए c2 में, ठीक है इसको ढके रहिए क्योंकि x वाली वैल्यू ले रहे तो x वाले को ढक लीजिए, b1 का मल्टीप्लाई किए c2 में माइनस, अब इधर क्रॉस क्रॉस b2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे c1 में क्योंकि ए बचा है ढक लिए हैं तो जो बचा है उसी का, तो बी वन का सी टू में, बी टू का सी वन में, लेकिन जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो बी टू इंटू सी वन, बी टू इंटू सी वन, ये एक्स के फॉर्म में हो गया, ये बराबर होगा, बराबर होगा, एकदम अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से समझ लो भाई दोस्तों मेरे, बहुत ही काम की चीज़ है। अच्छा एक्स का निकाले, इसी तरह वाई का भी आप निकाल सकते हो, वाई का निकालने के लिए क्या करोगे, y वाला टर्म्स जो पद है इसको ढक लीजिए, इसको ढक लिए तो क्या बचा a1 c2, तो क्या लिखेंगे a1 गुड़े c2 माइनस a2 गुड़े c1, क्रॉस कराना है तो इसका इसमें करा दिए माइनस क्रॉस करा के इसमें, तो क्या हुआ a1 c2, लिख दीजिए a1 c2, a1 c2 हुआ, अच्छा a2 c1, तो माइनस लगा के होता है तो a2 c1, समझ में आई बात, हाँ सर यहाँ तक समझ में आया। अच्छा x हो गया y हो गया, एक वैल्यू जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा वन पे लिखते हैं, ठीक है, वन अपॉन में c वाला टर्म्स ढक लीजिए, c वाला नहीं दिख रहा है, अच्छा हाँ सर ढक लिए, तो a1 का b2 में, a1 वन गुड़े बी टू माइनस ए टू गुड़े बी वन, क्रॉस करा दिए तो क्या लिखे a1 वन गुड़े बी टू, ए वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन, क्रॉस कराना है आपको, बस ये ध्यान रखना है a2 into b1, ये आपकी हो गई ब्रज गुणन विधि, यहाँ से आपको करना है। अच्छा एक लाइन और लिख लेना, ये तो कर लिए, जब आप आंसर लिखोगे तो आंसर डायरेक्ट लिख देना, कैसे डायरेक्ट, कैसे x बराबर आप लिख देना, देखो ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, इसका मतलब क्या, ये वाला बराबर होगा इसके और ये वाला भी बराबर होगा इसके, तो हम ये और ये इसको हटा देते हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको एक साथ लेंगे फर्स्ट और, तो x बराबर क्या होगा, ये वाला जो टर्म्स है वन में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो x बराबर होगा b1 c2 b2 c1 जो है वन में मल्टीप्लाई, यानी कि b1 c2 माइनस जो है उसी को लिखो ना b2
सी वन अपॉन में, देखो क्रॉस कराए हैं और जो नीचे है वो वैसे ही रहेगा, क्या है नीचे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये हो गई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा सर, मज़ा आ गया, एक्स का हो गया, वाई का भी निकाल लेते हैं। सीखने के लिए आपको मेहनत करना होता है, बिना सीखे आप महान नहीं बन सकते हैं, तो सीखना आपकी ड्यूटी है, अगर सिखाने वाला मिला है तो आप सीख लीजिए ना। अच्छा, y बराबर क्या होगा, इसको फिर इधर भेज दीजिए, बाकी वो वही रहेगा, तो y बराबर आप बोलोगे सर a1 c2 लिख दो माइनस a2 c1, अच्छा इसका इधर बुरा कर दिए, इधर जो है वही रहने दीजिए, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। चलो ये तरीका सीख गए कि नहीं, करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू पूछेगा तो x की ढक लेंगे, क्रॉस करा देंगे, इसका इधर बी वाई को पूछेगा तो इसको ढक लेंगे, इसका इधर करा दीजिए, इसका इधर करा दीजिए, क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम ही है, समझ लीजिए कि आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो चीज़ें क्लियर है, तीनों आपको समझ में आ गया, अच्छे से मज़ा आ गया, तो लाइक कर लीजिएगा और स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद हम टाइप नंबर थ्री पे चलते हैं। तो इतनी चीज़ें आपने सीख लिया, और अब आते हैं हम अगला पॉइंट, जो कि क्वेश्चन जहाँ से उठते हैं, ये तो आपको कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन रैखिक समीकरण से अब बहुत कम पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन चांस है आपके एग्जाम में पूछेगा तो वो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही पूछेगा, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉइंट्स है, इतने ज़्यादा पॉइंट्स है कि हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछता है, और आप अभी 10 मिनट के बाद बोलोगे कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछता है, तो एक एक चीज़ें एकदम नोट कर लेना, समझ लो कि मास्टर क्लास मिल रही है आपके लिए प्रीमियम वाले, जहाँ पे हज़ारों पे करके देखने को मिलता है, सारी चीज़ें आपको इतना अच्छे से और बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा कि आप बोलोगे सर सच में मज़ा आ गया, और गोल्डन चांस है सीखने का, आप सीख लीजिए, क्वेश्चन तो आपको कराता ही।